जिला शहर अध्यक्ष रविंद्र सिंह व ग्रामीण अध्यक्ष अरुण तिवारी के साथ कांग्रेसियों ने शुक्रवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को झीरम घाटी के नरसंहार का उत्तरदायी बताते हुए और कई आरोपों को उनके सर मढ़ते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए गए। सड़क के उद्घाटन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, जबकि सारे शहर में सड़कों की स्थिति सीवरेज की खुदाई में आप देख रहे हैं। लोग दर्जनों लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं, मगर ये आज तक रोड को नहीं बनाए हैं। अब ये चुनावी सड़क बनाने जा रहे हैं। अरे ये हेमूनगर के तालाब की आज बात कर रहे हैं, जबकि उस तालाब में जांच चल रही है, उसके बावजूद ये उद्घाटन कर रहे हैं। सिर्फ चुनाव को देखते हुए चुनावी रोड बना रहे हैं और चुनावी सड़क और तालाब बना रहे हैं। वास्तव में देखेंगे तो शहर की क्या सड़क की स्थिति है, सीवरेज की खुदाई में आप जाके देख सकते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी, शहर एवं ग्रामीण, ब्लॉक कार्यकारिणी, वर्तमान एवं पूर्व सांसद, पार्षद, पंचायत पदाधिकारी एवं सभी अनुसांगिक संगठनों, सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, किसान कांग्रेस, इंटक आदि के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कांग्रेसियों के पूर्व निर्धारित विरोध कार्यक्रम को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए। कांग्रेस भवन के आसपास पुलिस फोर्स मौजूद रही। कांग्रेसियों ने जैसे ही नारेबाजी करते हुए रैली निकाली, सड़क को घेर कर पुलिस बल उन्हें रोकने टूट पड़ी। धक्का मुक्की करते हुए कांग्रेसी बढ़ते चले। प्रधान पोस्ट ऑफिस के पास पुलिस ने कांग्रेसियों पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें रोक दिया और गिरफ्तार करते हुए उन्हें थाने ले गए। अभी तो अनुमानित लगभग 35-40 लोगों को किया गया है, बाकी उनको हम कोनी थाने ले जा रहे हैं, वहां पर नामजद लिखने के बाद ऐसा कुछ मांग नहीं है, इनका विरोध है। 35 से ज्यादा कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर कोनी थाने ले जाया गया। पुलिस के साथ इस झड़प से क्षेत्र में गहमा गहमी मच गई।